न्याय दर्शन की 52वीं कक्षा, न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा आनेक चल रहा है। शब्द की अनित्यता का प्रसंग है, शब्द नित्य है या अनित्य, और इसमें हमने 19वें सूत्र तक पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 244। चौवालीस सूत्र संख्या 16, संतान अनुमान विशेषणार्थ। इसमें इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य का ग्राह्य के विषय में बताया था कि वो इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य ऐसी है कि संतान रूप अनुमान विशेषण वाली है, ऐसा आपने बताया था। तो इसको केवल श्रोतेंद्रिय से इस तरफ बांध दिया तो ये हेतु हो जाएगा कि जो इंद्रियक हो वो अनित्य होती, जो इंद्रियक हो, इंद्रियक हो मतलब इंद्रियक का मतलब इंद्रिय प्रत्यासत्ति से ग्राह्य हो। हाँ, तो फिर अगर ये हेतु हो गया तो फिर इसका उदाहरण कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने केवल श्रोतेंद्रिय से जोड़ दिया तो कोई उदाहरण होना चाहिए उसको सिद्धि करने के लिए। उदाहरण तो इस दूसरे ढंग से इंद्रिय का ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां पर यह उत्पन्न होता है, जहां से उत्पन्न होता है और वहां से दूसरी जगह पे वो उपलब्ध हो रहा है, ठीक है, तो इस कारण से केवल इसका संतान ये स्वीकार कर रहे हैं, वहां से चल करके आ रहे हैं। संतान के अनुमान विशेषण से ये पता लगता है कि इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य है। इतना तो हमें प्रत्यक्ष ही कोई हेतु देने की जरूरत नहीं है कि इंद्रिय की प्रत्यासत्ति है, हमारे को यहां शब्द सुनाई दे रहा है तो ये शब्द वहीं रहते हुए सुनाई हमको सुनाई दे रहा है या यहां आते हुए सुनाई दे रहा है, तो यहीं आते हुए सुनाई दे रहा है। तो जब वहां उत्पन्न हुआ था तो वहां से यहां तक कैसे आ गया वो, तो इससे बस ये अनुमान है, इनका अनुमान है कि दूसरी चीज के लिए कह देंगे कि कोई चीज वहां से चली है, गोली वहां से चली है और यहां तक पहुंची है। तरंग के लिए इसके लिए हम वीची तरंग न्याय देते हैं, जैसे कि पानी में इसके लिए उदाहरण जो देते हैं ना, ये कैसे संतान की उत्पत्ति होकर के आगे बढ़ता है, इसके लिए पानी की तरंगों का उदाहरण देते हैं, ये वीची तरंग न्याय। बीच में एक जगह हम पत्थर डालते हैं तो तरंगे आगे बढ़ते 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 चारों ओर फैलती जाती, उस तरह से यह होता है। एक चीज वहां पर उत्पन्न हुई है, वहां पर है और उसका कारण भी वहीं पर ही है, ठीक है, उत्पत्ति का कारण है वहां पर, और अभिव्यक्ति को मानेंगे तब तो दूसरी जगह जानी ही नहीं चाहिए, वहीं पर ही रहनी चाहिए, और उत्पत्ति का कारण है तो क्योंकि शब्द हमें फिर सुनाई नहीं देता है वहां पर जहां पर उत्पन्न हुआ है, अगर वहीं पर ही सुनाई देता है वो तो सुनाई देता नहीं है, दूसरी जगह सुनाई देता है वहां तो बस समाप्त हो जाता है वो क्षणिक उसी समय। इस आधार पर ये बस अनुमान करते हैं। यहां जो मुख्य हेतु है इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राही, तो उसका तो उदाहरण वैसे बनेगा नहीं, लेकिन संतानुमान विशेषण इसका बन जाएगा। यस, हाँ, संतान से, संतान का तो अनुमान कर रहे हैं ये,
संतान का तो अनुमान कर रहे हैं। इंद्रिय मतलब यहां पर श्रुतेंद्रिय को ही मान करके चलेंगे। वैसे तो सभी इंद्रियां सन्निकर्ष से ही ज्ञान प्राप्त करती हैं, सन्निकर्ष से ही ज्ञान प्राप्त करती हैं, लेकिन शब्द एक अलग तरह का है, उसके संदर्भ में ये काफी कुछ अनुमान करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगला जो सूत्र है 17वां, कारण द्रव्य से प्रतिशब्देन अभिधानात् आदि, ये जो पीछे 14वें सूत्र में पूर्व पक्ष ने कहा था नित्येषु अपि अनित्यवत उपचाराच्च, उसने ऐसे कह के व्यभिचार दिखाया था, अब सिद्धांति उसको अव्यभिचार बता रहा है कि उसमें व्यभिचरित नहीं होगा, तो ये कैसे बता रहा है समझ में नहीं आया। पूर्व पक्षी तो ये कहना चाहता है कि नित्य वस्तुओं में भी अनित्य के समान उपचार हो जाता है, कथन हो जाता है। सिद्धांती ये कह रहा है कि नित्य वस्तुओं में अनित्य के समान व्यवहार नहीं होता है। मुख्य अनित्य के समान नित्य में व्यवहार यदि मुख्य हो रहा हो तो व्यभिचार माना जा सकता है, तो गौण अर्थ में है, मुख्य अर्थ में नहीं है। जो शब्द में तीव्रत्व मंदत्व अनित्य के समान उपचार हो रहा था वो तो तत्वतः है, वास्तविक है। यदि नित्य वस्तुओं में भी अनित्य के समान व्यवहार होता और वो वास्तविक होता तो वो व्यभिचारी होता। बोले व्यवहार तो होता है लेकिन व्यवहार का कारण ये नहीं है कि उसके सावयव हैं अवयव हैं, इसलिए वो केवल है कि संयोग की अव्याप्य वृत्तिता को बताने के लिए कथन है उसके समानता से। तो इसलिए कृतक के जो मंद और तीव्र है ये तो अनित्य में उपचार होते हैं, और अनित्य दूसरा जिसमें भी उपचार होंगे वो अनित्य ही होगा, ये मान करके कह रहे हैं कि नित्य में जो आप कह रहे हो वो मुख्य व्यवहार नहीं है, तो गौण व्यवहार है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं आता है। कारण द्रव्य से प्रदेश शब्देन अभिधानात्, प्रदेश शब्द से कारण का कथन किया जाता है, उपादान कारण का, और आकाश और आत्मा में उपादान कारण है ही नहीं, यानी अनेक उपादान कारण नहीं है निरवयव होने से, इसलिए वहां ये व्यभिचार नहीं हो सकता है। नित्येषु अभिव्यचार है क्योंकि वहां ऐसा घटता ही नहीं है। गुरु पक्षी जो है वो नित्यों में मुख्य रूप से देख रहा था, जो नित्यों में भी मुख्य रूप से देख रहा है, तो ये जो कथन ये जो प्रदेश का व्यवहार है वो मुख्य रूप से देख रहा है, बोले ये मुख्य रूप से है ही नहीं। जिस अर्थ में अनित्य वस्तुओं में प्रदेश का व्यवहार होता है उस अर्थ में नित्यों में नहीं होता है। मंद और तीव्रता जो थी वो तो सुख दुख में जिस अर्थ में है उसी अर्थ में शब्द में भी है, वास्तव में है वहां पर, इसलिए वो उसके समान ही रहेगा। अनित्य वस्तुओं में तो ठीक है, नित्य वस्तुओं में तो उस तरह से है ही नहीं, ये तो केवल संयोग की व्याप्य वृत्तिता को बताने के लिए ऐसा कथन कर दिया जाता है, गौण कथन है। हाँ, अगर पूर्व पक्षी नित्यों में अगर मुख्य अगर देख रहा होता तो फिर जो सूत्र है 14वां सूत्र, नित्येषु अपि अनित्यवत उपचाराच्च, अनित्यवत क्यों बोला, क्योंकि अगर मुख्य होता जिसको नित्य मानते हैं उसमें भी अनित्य के समान वो केवल इतना ही देख रहा है, व्यवहार केवल समान था, क्योंकि जैसे पूर्व पक्षी को सिद्धांत जी ने कहा था कि मृदु तीव्रता की बात है मंद तीव्रता की बात है, बस केवल इतना ही साम्य देख रहा है वो, और इतना साम्य तो देख ही रहा है तभी कह रहा है कि इसमें व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है, तो उसको स्पष्टीकरण के बताया जा रहा है कि यद्यपि यहां पर अनित्य के समान व्यवहार हो रहा है लेकिन ये शब्द जैसा नहीं है, इसलिए आप इसके कारण से व्यभिचार नहीं देख सकते। वैसा वहां होना भी चाहिए, केवल व्यवहार के कारण से नहीं है कि व्यवहार हो रहा है, पूर्व पक्षी केवल व्यवहार को ले रहा था लेकिन वहां वैसा है भी, वो वैसा है भी, इसलिए उनके समान व्यवहार से और वो वैसा मृदु तीव्र होने से वहां पर अनित्यत्व है। आगे 245 पृष्ठ में तीसरी पंक्ति है अंतिम से, संयोगवच्च शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम इति, ये जो बात बता यहाँ पे ये बात क्यों कहे समझ में नहीं आ रही बीच में, क्यों कही शब्द और ज्ञान के विषय के, केवल एक अतिरिक्त बात कह दी गई है,
अतिरिक्त बात कह दी गई। ये वैसे तो संयोग के लिए बता रहे थे, संयोग के अव्याप्य वृत्तित्व को बताना था, वो बता भी दिया इन्होंने। अब उसके अतिरिक्त एक बात वैसे ही कह दी इन्होंने, जैसे संयोग अव्याप्य वृत्ति से रहता है, ऐसे ही शब्द के लिए भी कह दिया, शब्द भी आकाश में अव्याप्य वृत्ति से रहता है, और बुद्धि आदि भी, बुद्धि भी अव्याप्य वृत्ति से रहती है, ज्ञान भी अव्याप्य वृत्ति से रहता है, बस केवल बताया दिया है। पृष्ठ संख्या 248, हाँ, इसमें 19वें सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति, एवं च सति अपहरित विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति, ये पंक्ति समझ में नहीं आई। हाँ, एवं च सति मतलब पीछे वाली बात जो कही इन्होंने, आवरण की उपलब्धि के समान आवरण की अनुपलब्धि भी संविद्या एव इति। ठीक है, पता लगती है आवरण की उपलब्धि, हमें पता लगती है तो आवरण की अनुपलब्धि भी हमें पता लगती है उन्हीं इंद्रियों से, उन्हीं प्रमाणों से। तो आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, ठीक है, नहीं, आवरण की अनुपलब्धि है और आवरण की अनुपलब्धि भी, ठीक है, सेयम आवरण उपलब्धिवत, आवरण की उपलब्धि हमें पता लगती है तो आवरण की अनुपलब्धि भी पता लगती है, और यहां इस संदर्भ में आवरण की अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि का पता लग रहा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि है। अब इसके आधार इतना होने पर भी, अब वो तो अगला सूत्र भी देखेंगे हम, कि एवं सति अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति, तो आगे जो चीज बात कह रहे हैं सूत्रकार 20वें सूत्र में, बोले वो इसी से खंडित हो जाएगा, जो अभी कहा कि आवरण की अनुपलब्धि है, तो बस इसका मतलब है आवरण नहीं है। पूर्व पक्षी अगले सूत्र में कहेगा, अभी सूत्र देखेंगे, अनुपलब्धि के होने से, अनुपलब्ध होने पर भी अनुपलब्धि के होने से, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है फिर भी वो है, ऐसे ही आवरण की भी अनुपलब्धि हो रही है तो फिर भी आवरण है। आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, अनुपलब्धि है तो अनुपलब्धि तो होगी, ये शब्दों में घुमा रहा है पूर्व पक्षी, वो तो आगे देखेंगे। तो वो जो आगे कहेगा वो बोले इसी से ही खंडित हो जाएगा, उप एवं च सति अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति। ठीक है, बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 245, भाष्य की तीसरी पंक्ति अंत में, संयोग वच शब्द बुद्धि आदि नाम, यहाँ जो शब्द और बुद्धि को लिया है वो गौण प्रयोग है या? ऐसा तो कुछ इन्होंने कहा नहीं है, कहा नहीं है, यहां पंक्ति जो लिखी गई है उसमें तो यही तात्पर्य प्रतीत होता है कि बुद्धि शब्द तो आत्मा के संदर्भ में घटेगा, आकाश में तो शब्द का ठीक है, तो आत्मा के संदर्भ में ये ऐसा मान रहे हैं कि जो ज्ञान है वो उसके सब जगह नहीं रहता, किसी एक देश में रहता है, आत्मा के एक देश में रहता है, जो ज्ञान है वो आत्मा के एक देश में रहता है। आगे एक प्रसंग आएगा आत्मा के बारे में, वो आत्मा को विभू मानते हुए कथन है, यद्यपि वो पूर्व पक्षी का मान करके चलते हैं, इस पर काफी विवाद भी रहता है। एक प्रश्न रहता है कि न्याय दर्शनकार आत्मा को यानी जीवात्मा को एकदेशी मानते हैं या विभू मानते हैं? परमात्मा तो विभू है, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई, आत्मा को, जीवात्मा को परिच्छिन्न मानते हैं या विभू मानते हैं, एक बात चलती है वैशेषिक और न्याय के संदर्भ में।
और बहुत से व्यक्ति इन्हीं आधारों पर ये कहते हैं कि आत्मा को न्याय का न्याय दर्शनकार और वैशेषिक दर्शनकार विभू मानते हैं, जीवात्मा को भी। जैसे परमात्मा व्यापक है, सर्वव्यापक है, इतना ही व्यापक सर्वव्यापक आत्मा भी है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। और वो ऐसे ऐसे वचनों के आधार पर ही मानते हैं। बुद्धि यानी ज्ञान आत्मा के एक देश में किस तरह से ये देखते हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, अभी यहां बैठ करके मैं जो पढ़ रहा हूं, जान रहा हूं, अभी जो ज्ञान आ रहा है वो आत्मा के इसी प्रदेश में रहेगा, और यहां से चल करके मैं किसी दूसरे शहर में गया या दूसरी कक्षा में जाके बैठ गया या कमरे में जाके बैठ के मैं कुछ जान रहा हूं, यज्ञशाला में बैठ के कुछ जान रहा हूं, वहां जो ज्ञान हो रहा है मेरे को वो आत्मा के उसी प्रदेश में है। ठीक है, परिकल्पना क्या करनी है कि आत्मा सर्वव्यापक है ऐसा मानते हुए जो कथन करते हैं, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसकी जो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं उस ढंग से यहां जो समझा जाता है, तो जहां जहां आत्मा को कोई भी अनुभव या ज्ञान होता है वो अनुभव ज्ञान आत्मा के उस प्रदेश में रहता है। ठीक है, जहां बैठ करके हम जानते हैं, जिस जगह का आत्मा जान रहा है, कैसे जान रहा है जिस जगह का आत्मा, कि इंद्रियां मन आदि वहां पर हैं, अभी हम यहां हैं, जो ये मानते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है उनके मत में फिर घूम कौन रहा है, चल कौन रहा है, आत्मा तो सब जगह ही है, अब आ जा कौन रहा है, शरीर इंद्रियां मन इसका जो पिंड है समूह है ये आ जा रहा है, अब ये यहां पर है, अभी मैं यहां बैठा हूं, तो यहां जो बुद्धि इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है वो आत्मा के उस प्रदेश में छप गया। अब मैं चल करके दूसरी जगह गया तो वहां जो ज्ञान हो रहा है वो वहां पर हो गया, जैसे कि लेखनी से लिखते हैं, अब लेखनी कागज के जिस भाग में होगी वहीं लिखती चली जाएगी, आगे चली दूसरी जगह लिख रहे हैं तो वहां लिखा जाएगा, तो हम आत्मा के जिस जिस भाग में ये शरीर मन आदि जाते जाते हैं वहां वहां लिखा जाता है, तो जिस जगह का ज्ञान है वो वहीं पर ही रहता है, पूरे में नहीं जाता है। उस पक्ष में ये बनेगा कि आत्मा में बुद्धि यानी ज्ञान व्याप्य वृत्ति से नहीं रहता है, एक देश में रहता है, जैसे आकाश में, जैसे संयोग आकाश के एक ही भाग में रहता है पूरे में नहीं रहता है, जैसे संयोग आत्मा के एक भाग में रहता है पूरे में नहीं रहता है किसी वस्तु का संयोग, और जैसे शब्द आकाश के एक भाग में रहता है पूरे में नहीं रहता है, बस ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान या बुद्धि वो आत्मा के चेतन के एक भाग में रहती है पूरे में नहीं रहती। ठीक है, बस ये मैं उनकी प्रस्तुति कर रहा हूं, इस तरह का भाव इस पंक्ति से ये भाव निकलेगा, लेकिन ऐसा है ये नहीं कह रहा हूं मैं। वैदिक दृष्टि से आत्मा तो एक देशी है, जीवात्मा, और परमात्मा सर्वव्यापक है। अब हम दो ढंग से इसको देखेंगे, आत्मा शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दो का ग्रहण करेंगे। आत्मा के संदर्भ में है तो जब हम कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा जो है वो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान रहता कहां पर है, आत्मा में रहता है। तो जब हम न्याय और वैशेषिक की बात करते हैं तो ये आत्मा में ही ज्ञान का रहना मानते हैं, आत्मा में ही, और जब सांख्य और योग की बात करते हैं तो समस्त ज्ञान अंतःकरण में चित्त में रहता है। ठीक है, आत्मा में नहीं रहता है। यहां पर जब ये बात करते हैं तो अंतःकरण और आत्मा दोनों को मिला के एक मान करके बात कर रहे होते हैं, दोनों की संगति हम देखना चाहें तो जब ये मन और आत्मा को एक ही मान करके चल रहे हैं, वैसे अलग अलग बता रखा है लेकिन इस संदर्भ में, तो अब न्याय और वैशेषिक में अलग अलग ज्ञान है तो सांख्य में भी अलग अलग है। सांख्य और योग में ज्ञान कहां रहता है, अनुभूति तो आत्मा को होती है लेकिन उसके संस्कार कहां रहेंगे, चित्त में, अंतःकरण में, और अंतःकरण में वो संस्कार रहेंगे तो कहां रहेंगे,
एक ही जगह पे वही 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 नहीं, वो अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे आजकल सीडी हो, डीवीडी हो, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, उनमें कंप्यूटर में जो चीजें भरी जाती हैं, तो कहाँ भरी जाती हैं वो? अब वो यंत्र तो, वो तो जगह तो छोटी सी है, लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, तो कहाँ हैं वो? सबके लिए अलग अलग स्थान होता है ना, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, एक जगह सारी नहीं रहती है। तो वो जो सूचनाएं हैं, हम सामान्य रूप से कहेंगे तो भले वो हार्ड डिस्क में है सारी की सारी, लेकिन अगर उसको हम अलग से कहना चाहेंगे तो कहेंगे वो जो सूचनाएं हैं वो पूरी हार्ड डिस्क में व्याप्त नहीं है, अव्याप्य वृत्ति से है। जो चीज यहां है वो यहां स्टोर है, जो चीज यहां है वो यहां है, अलग अलग जगह पे वो संग्रहित है। इसको कहेंगे वो जो ज्ञान या संकेत, संस्कार हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे, डीवीडी पे है, वो अव्याप्य वृत्ति से है, जो जहां है बस वही है, वो सब जगह नहीं फैला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आत्मा में, अब आत्मा कहेंगे तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अंतःकरण भी आ गया, क्योंकि ज्ञान तो वहां रहता है, उसमें वो अलग अलग स्थान पर रहता है, एक ही जगह पर नहीं रहता है। हाँ, आत्मा को जब भी जानना होता है वो जान लेता है। अब हम जब कंप्यूटर से जानते हैं तो अंदर हार्ड डिस्क में भले ही अलग अलग जगह हो, लेकिन हम जिसको चाहते हैं उसको जान लेते हैं, वहां वहां पहुंच जाते हैं, या यंत्र ऐसा है कि वो वहां हमारे को पहुंचा देता है और प्रकट कर देता है। ऐसे ही आत्मा जब जब जो जानना चाहता है वो चीजें उसकी जिस जिसकी जैसी स्मृति होती है उसके अनुसार वो उपलब्ध हो जाती है, आ जाती है, रहती अलग अलग जगह, रहती अलग अलग जगह। तो ये ज्ञान जो संस्कार है वो अव्याप्य वृत्ति से रहता है, तो आत्मा के संदर्भ में ये हो गया। अब परमात्मा के संदर्भ में हम देखेंगे तो चूंकि परमात्मा को हम यहां वैसे उस तरह की चर्चा नहीं है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। अगर हम ये माने कि परमात्मा का जो प्रदेश जहां पर है बस वो वहीं की चीजें जानता है, और परमात्मा के अन्य प्रदेशों में जो घटनाएं हो रही हैं उनको यहां वाला नहीं जानता है, तो ये परमात्मा के ज्ञान की एक रास्ता नहीं होगी, अलग अलग होगा। यहां का परमात्मा को अलग ज्ञान है, यहां के परमात्मा मतलब मैं अलग अलग परमात्मा नहीं बोल रहा हूं, परमात्मा को एक मानते हुए भी परमात्मा के इस प्रदेश में अलग ज्ञान है, उस प्रदेश में अलग ज्ञान है, उस प्रदेश में अलग ज्ञान है। अब इसका साथ में अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा के इस प्रदेश में, परमात्मा का अभी जो हमारे पास में जो प्रदेश है इसको जो ज्ञान हो रहा है यहां का ही हो रहा है, बाकी सारे प्रदेशों में जो ज्ञान है वो यहां के परमात्मा के प्रदेश को नहीं है, इसका यह तात्पर्य निकलेगा। तो वो इतना सा जानता है बस, यहां के प्रदेश में जो घटनाएं घटी उसको जानता है, और जगह जो हुई है उसको वो नहीं जानता। इस दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा सर्वज्ञ और एकरस नहीं होगा। तो सिद्धांत पक्ष यही है कि परमात्मा सब जगह सब कुछ जानता है, यहां परमात्मा को यहां के प्रदेश से यहां जो घटना घट रही है वो पूरे परमात्मा में ज्ञात है, सब जगह वो जानता है, और दूसरी जगह है वो भी सब जगह है। परमात्मा की सर्वज्ञता को हम एकरस रूप में ऐसे स्वीकार करते हैं, वहां पर यह बात नहीं घटेगी कि ज्ञान एक देश में रहता है। ठीक है, लेकिन जो पंक्ति है उससे जो अगर अर्थ निकालेंगे सीधे सीधे तो यही निकलेगा। अब इसमें समस्या क्या है कि सांख्य और योग तो आत्मा में ज्ञान का संस्कार नहीं मानते हैं, वो एक उनके हिसाब से यदि आत्मा में संस्कार पड़ रहा है इसका मतलब है आत्मा में परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन आ रहा है तो वो अनित्य हो जाएगा एक दृष्टि से। उस तरह का एक तर्क सीधे सीधे नहीं है कथन, लेकिन वो चित्त में ही मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, उसमें इस तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, ये उस तरह का सोच हम वहां पर लेते हैं, सब कहा जाता है। यदि भी इस पे भी फिर आगे प्रश्न उठते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पूरी तरह से अंतिम नहीं अभी लगता है, लेकिन हाँ जो कहा जाता है जो माना जाता है वो बात बता रहा हूं। तो यदि आत्मा में संस्कारों को मानेंगे तो आत्मा में अनित्यता का दोष वो देखते हैं, तो इसलिए जो सारा का सारा ज्ञान है वो चित्त के अंतर्गत मानते हैं, वो वहां संग्रहित होता है। जानने वाला आत्मा है
लेकिन संस्कार जो ज्ञान के रूप में है, संग्रहित है हार्ड डिस्क की तरह, वो चित्त में अंतःकरण में है। ये जब दोनों को एक ही मान करके चलेंगे, ऐसा हम सोचते हैं कि भाई दोनों को एक ही मान रहे होंगे, तभी वो अलग अलग प्रदेशों में मान रहे हैं। अथवा आत्मा में भी सब जगह रह सकता है। अब इसमें लंबी चर्चा है, आगे एक प्रकरण आएगा कि फिर आत्मा को पता कैसे लगता है। अब यहां जो हमारे को अनुभव हुआ, अभी हम यहां पर हैं और उससे संबंधित ज्ञान यहां पर है, और अब हम यहां से अजमेर से चल के दिल्ली पहुंच गए, कलकत्ता चले गए, अब यहां वाला जो ज्ञान था उसका पता कैसे लगता है हमारे को फिर? जैसे कि यहां एक तरह से समझो कि हमारा कोई कागज, कोई प्रमाण फाइल यहां रखी हुई है, यहां की अलमारी में रखी हुई है, हमारे कमरे में, हमारे कार्यालय में, और हम पहुंच गए दक्षिण में, केरल में पहुंच गए। अब हमारे को वो फाइल देखनी है तो कैसे देखेंगे? तो सिर्फ फाइल का स्मृति ही रहेगा कि फाइल वहां रखी है हमने बस। नहीं, वो तो स्मृति चलो हमारे को हो गई, लेकिन हमें वो फाइल देखनी है तो क्या करेंगे? वो तो वापस वहीं आना पड़ेगा। अच्छा, और हम केरल में जाते हैं या कलकत्ता जाते हैं तो हमारे को यहाँ वाली चीजें जो यहाँ अनुभव की थी वो याद आ जाती है? नहीं, ऋषि उद्यान में ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे व्यायाम करते थे, आ जाती है ना? तो वो कहाँ से आ जाती है? वो तो स्मृति में है। नहीं, स्मृति में नहीं, वो तो संचित कहां पर है? अलमारी कहां पर रखी हुई कहां पर है? आत्मा। नहीं, आत्मा में कहां पर? ये तो बहुत स्थूल उत्तर हो गया कि आत्मा में रखी हुई है। आत्मा के किस प्रदेश में रखी हुई है? जहां पर अनुभव किया था और अभी हम है वहां पर। ये आत्मा के इस प्रदेश में रखी हुई है, ठीक है? बड़ी विचित्र कल्पना करनी पड़ेगी ये, इसलिए वो सिद्धांत पक्ष नहीं है कि आप यहां कक्षा में बैठ करके कुछ सुन रहे हैं, आप कमरे में गए, कमरे में जा करके आपको ये कैसे पता लगता है कि यहां का ज्ञान तो आपकी आत्मा में यहीं रह जाएगा। कमरे में जो आपकी आत्मा है वो अलग है, यहां जो आत्मा है वो अलग है। अलग है मतलब आत्मा का प्रदेश अलग है, ये उस पक्ष में बोल रहा हूं। वो कल्पना में करो जो कि आत्मा सर्वव्यापक है। अगर आपको कल्पना नहीं ला पा रहे हैं तो ये वाक्य नहीं बनेगा, उस पक्ष में मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो आप कमरे में गए और बोले कि कक्षा में क्या बोला था, इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था, तो हम वहां की आत्मा में मैं तो है नहीं, अंतःकरण को कैसे पता लगेगा? तो वहां से अंतःकरण चल के यहां पर आएगा, ठीक है? अंतःकरण चल के यहां आएगा, हमारे को कोई फाइल देखनी है, हमारे कार्यालय में है तो वापस कार्यालय में जाएंगे, उसी अलमारी को खोलेंगे, लाएंगे, अथवा इंटरनेट जैसी कोई व्यवस्था हो, क्योंकि संग्रहित तो है, लेकिन हम यहां बैठे बैठे कुछ ऐसा संपर्क कर लेते हैं कि दूर से बैठे बैठे हम वहां से पता कर लेते हैं। अब भले ही अमेरिका में किसी ने वो चीज डाली हो, कहीं पर भी संग्रहित हो सर्वर में, जहां भी है, हम यहां बैठे बैठे वहां से ले लेते हैं, भले ही वहां पर है लेकिन हम यहां ले लेते हैं। ऐसे ही हम कलकत्ता में हैं तो भी ऋषि उद्यान अजमेर में जो हमने जाना सीखा है उसको स्मरण कर सकते हैं। अभी परिकल्पनाएं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो बुद्धि वाली बात है यहां पर, वो प्रश्नवाचक लगा करके छोड़ी गई। ये जो कथन है वो संगत नहीं लगता है यहां जो कहा गया है। जी, तो इसको आकाश और जो आत्मा का इन्होंने एक देश से संयोग से कहा था तो उस पर ही घटाया इन्होंने उदाहरण के दृष्टि। नहीं, संयोग वाली बात तो घट जाएगी, संयोग के अव्याप्य वृत्ति होने से परमात्मा में भी वैसे घटेगी, आकाश में घटी रही है, परमात्मा में भी संयोग केवल, बुद्धि आदि नहीं, संयोग केवल। और आत्मा में भी कैसे घटेगी जो इन्होंने पूछा था, तो आत्मा में भी भले ही छोटा सा है, एक देशी है, बोले उसके तो प्रदेश ही नहीं है, कैसे होगा? पर उसका भी ऊपर नीचे आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, संयोग का अव्याप्य वृत्तित्व तो जीवात्मा में भी घट सकता है। अब यहां पर बुद्धि है, बुद्धियादि से आत्मा के अन्य गुणों को ले सकते हैं, अब उसमें सुख दुख भी ले सकते हैं कि जो सुख हमें यहां हुआ था या दुख यहां पर हुआ था, जिस जगह भी हम हैं, जहां अंतःकरण और शरीर है वहां हमें कुछ सुख दुख हुआ, तो आत्मा के उस भाग ने सुख दुख का अनुभव किया, दूसरे भाग ने नहीं किया। आत्मा तो विभू है, जीवात्मा इस पक्ष में,
वहां नहीं होगा वो सुख दुख। फिर यहां से चल के हम दूसरी जगह चले गए, वहां जो हमारे को सुख दुख हुए वो वहां पर है, वो वहीं पर हुए, वो यहां नहीं हो रहे। जहां जहां अंतःकरण बुद्धि है बस वहीं वहीं सुख दुख अनुभव हो रहे हैं आत्मा को, बाकी जगह नहीं हो रहे, पूरी आत्मा में नहीं हो रहे। और हम परेशान हो जाते हैं कि मैं पूरा का पूरा सुखी और दुखी हो गया, दुखी हो गया तो परेशान हो जाता हूं कि दुखी हो गया, और सुखी हो गया तो खुश हो जाता हूं कि मैं पूरा सुखी हो गया, जबकि हमारा एक छोटा सा भाग ही सुखी दुखी होता है। यहां है तो यहां का सुखी दुखी, वहां है तो वहां का सुखी दुखी। इनके पक्ष में बोल रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे बोलने को इस तरह देख के कि वो शायद ऐसा ही कह रहे हैं। ठीक है, ये न्याय दर्शन के कुछ विषय हैं, उनमें एक विषय ये है जो कि विचारणीय रहता है, विवादास्पद रहता है। उसमें दो पक्ष हैं कि भाई इसकी संगति और शास्त्रों से भी लगनी चाहिए, विरोध नहीं आना चाहिए, तो उन बिंदुओं में ये एक बिंदु है। आचार्य जी, ये जो शब्द और बुद्धि समझ में, इसके साथ जो आदि जुड़ा है वो किस संदर्भ में बताया ना अभी मैंने, सुख दुख आदि बुद्धि आदि मतलब चेतन से संबंधित धर्म लेना है हमारे को, क्योंकि इन्होंने दो शब्द लिए थे। हम यहां पर अब अनुमान करते हैं ना कि इन्होंने क्या तात्पर्य रहा होगा। इन्होंने आकाश और आत्मा दो द्रव्य लिए, नित्य द्रव्य, और अब उसके लिए शब्द और बुद्धि आदि ये दो चीजें लिखी हैं। तो शब्द हमारे को एकदम स्पष्ट है कि ये आकाश से जुड़ेगा, उसी के लिए कह रहे हैं। अभी जो बुद्धि आदि है तो बुद्धि किसके लिए जुड़ेगा, वो आत्मा के लिए जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर बुद्धियादि आदि शब्द को हम केवल बुद्धि से जोड़ेंगे तो आत्मा से संबंधित जो अन्य गुण हैं, जैसे कि सुख और दुख, ईर्ष्या और द्वेष, ये जो यहां पर कहे गए हैं, ज्ञान, बुद्धि तो ज्ञान हो ही गया, तो ज्ञान, सुख दुख, इच्छा द्वेष, आप प्रयत्न को भी जोड़ लीजिए जो ये गुण कहे गए हैं, इनको भी आप यहीं पर ही ले लेंगे। इनको भी ज्ञान की तरह से अव्याप्य वृत्ति से मानना होगा इनके अनुसार। ठीक है, तो आदि शब्द से हम इन गुणों को ले सकते हैं। आत्मा के अन्य गुण लेने, आकाश के गुण अन्य लेने, तो आकाश का तो शब्द एक ही गुण माना जाता है। अब आकाश का विभुत्व ले लेंगे तो विभुत्व के लिए ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि वो एक ही देश में है, विभुत्व तो पूरे में लागू होता है। आकाश एक है तो इसका जो एकत्व है वो किसी एक प्रदेश में थोड़ा ना कहा जा सकता है, तो पूरे में कहा जाएगा। आकाश का अन्य द्रव्यों से पृथक्त्व है, विद्यमान सब जगह है लेकिन पृथक्त्व है, द्रव्य जैसे गाय और घोड़े में पृथक्त्व होता है, विभाग नहीं पृथक्त्व कह रहा हूं, दो गुण अलग अलग होते हैं या दो द्रव्य अलग अलग होते हैं, तो ऐसे आकाश का जो पृथक्त्व है, आकाश का परमात्मा से पृथक्त्व, आकाश का आत्मा से पृथक्त्व, आकाश का पृथ्वी से पृथक्त्व, मन इंद्रियों से पृथक्त्व, अलग द्रव्य हुआ ना वो। अभी जो आकाश का पृथक्त्व है वो आकाश में कहां पर है, आकाश में सब जगह है, हम ऐसे तो ना कह सकते हैं कि आकाश के इस एक देश में तो अन्यों से पृथक्ता है लेकिन और जगह नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे एक संख्या, यानी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सब में समान रूप से रहते हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ऐसे जो है, तो इसमें संयोग तो अव्याप्य वृत्ति से कहा जा सकता है। संयोग गुण आकाश में अव्याप्य वृत्ति से है कि जिस जिस द्रव्य का संयोग जिस जिस जगह होगा उसी जगह से बस उसका संयोग होगा, सब जगह से नहीं होगा, संयोग के लिए तो कह सकते हैं लेकिन एक संख्या के लिए नहीं कह सकते। परिमाण विभू है उसके लिए नहीं कह सकते, वो तो पूरे में ही मानना होता है। तो शब्द आकाश के भी कुछ और गुण ऐसे हम देख सकें जो कि अव्याप्य वृत्ति से है, एक तो संयोग तो बता ही दिया इन्होंने और शब्द भी बता दिया, और कोई गुण इस तरह से हम देख सकते हैं जो युक्ति संगत हो कि ये आकाश के एक देश में है, व्याप्य वृत्ति से नहीं है, उन गुणों को भी यहां ग्रहण कर सकते हैं और आत्मा के भी कुछ अलग ग्रहण कर सकते हैं, तो आदि का ये मतलब है। सर जी, आपने जैसे इस आत्मा में प्रयत्न गुण है तो प्रयत्न को एक देश में कैसे घटाएंगे आत्मा में, जो ज्ञान प्रयत्न को यहां पर अभी हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे आप बोलने का कर रहे हैं, मैं बोलने का कर रहा हूं, गर्दन को हिलाना है और है पृष्ठ को बदलना है इत्यादि जो भी प्रयत्न हो रहे हैं, ये तो बाहर के रूप हैं, अंदर आत्मा के द्वारा जो प्रयत्न हो रहे हैं, तो ये जो प्रयत्न आत्मा
के द्वारा हो रहे हैं वो तो यहीं पर ही हो रहे हैं। दूसरी जगह की हमारी जो आत्मा है यानी विभू आत्मा के पक्ष में, वहां भी प्रयत्न नहीं चल रहे हैं, वो शांत है। नहीं, इस पक्ष में तो यही मानना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो कि प्रयत्न, मैंने प्रयत्न किया, ठीक है, मैंने प्रयत्न किया बोलने के लिए, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। अब ये प्रयत्न मुझ विभू आत्मा में यहीं पर ही हो रहा है, जो मेरा बाकी का प्रदेश है सब जगह व्यापक, वहां पर ये प्रयत्न नहीं हो रहा है। आप सुनने का प्रयत्न कर रहे हो, देखने का प्रयत्न कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये जो आपके प्रयत्न हो रहे हैं ये कहां पर हो रहे हैं? जहां अभी आपका शरीर इंद्रियां आ रही है आपके उसी प्रदेश में प्रयत्न हो रहे हैं। और आपके और मेरे बीच में जो आपका भाग है, आपके पीछे जो आपका अस्तित्व है, पीछे विभू आत्मा के पक्ष में, आपके कमरे में जो आपकी आत्मा है अभी, आत्मा का जो प्रदेश है अभी, वहां तो कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रयत्न तो शरीर इंद्रिय और मन से ही तो करेंगे। अब आपको ये परिकल्पना ही बड़ी विचित्र लग रही होगी, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं या जिस तरह से इस पक्ष में बनेगा, बड़ा विचित्र लगेगा, ये क्या ऐसे भी क्या बात है, ठीक है। तो प्रयत्न भी एक देश में हो, जैसे ज्ञान है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सब चीजें घट सकती हैं एक देश में, हो गया? ये आप मानोगे कि नहीं सब जगह प्रयत्न चल रहा है? नहीं, तो पूरी विभू आत्मा में प्रयत्न चल रहा है तब आप बोल पा रहे हैं और तब मैं बोल पा रहा हूं। पूरी विभू आत्मा में प्रयत्न चल रहा है तब मैं देख पा रहा हूं और आप देख पा रहे हैं। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय अभी मेरे शरीर में इंद्रिय के साथ आत्मा पूर्ण रूप से ही विद्यमान है? पूर्ण रूप से जी नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है ना, एक प्रदेश में है, विभू है वो आत्मा तो ये विभू पक्ष में बोला जा रहा है सब कुछ। जैसे परमात्मा विभू होता है ना सर्वव्यापक वास्तव में, ऐसे ऐसे आत्मा भी है ये मानते हैं बहुत लोग, पुराणा की नहीं आर्य समाज में भी मानते हैं। आर्य समाज के भी विद्वान जो न्याय वैशेषिक के हैं वो विभू मानते हैं, गुरुकुल के आचार्य वो भी विभू मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं ऐसा, बहुत से लोग नहीं मानते लेकिन बहुत से लोग मानते हैं, ऐसा ही पढ़ाते हैं वो, ऐसा ही मानते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए अभिव्यक्त कम होता है। जैसे मैं और आपके बीच में जो दूरी है, हो सकता है पहले कोई आत्मा यहाँ बैठी हो तो नहीं है ना, सारी आत्माएं हैं आपके और मेरे बीच में, केवल आपकी आत्मा और मेरी आत्मा नहीं है, यहां जितने हैं उन सबकी आत्माएं हैं और सब जगह, सब जगह सब हैं। मान लो आप सब जगह हैं, विभू हैं, योगेंद्र जी भी सब जगह हैं, जितने भी बैठे हैं वो सब 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 जगह हैं, और दुनिया के जितने भी प्राणी हैं मनुष्य ही नहीं वो सब के सब, उनकी सबकी आत्मा सब जगह विद्यमान है। तो इस जगह पे कितनी आत्माओं का प्रदेश है? सबका, सबका प्रदेश है। देखो एक पक्ष तो वो है जो विभू आत्मा यानी ब्रह्म को ही केवल मानते हैं, जीवात्मा को मानते ही नहीं है, एक ही चेतन तत्व है बस, जो अद्वैत में मानते हैं, और उसी ब्रह्म के छोटे छोटे अंश में ये हम सब जीव हैं, शरीर में स्थित जो छोटे छोटे अंश हैं उसी के एक भाग हैं, चाहे पशु पक्षी या हम जो भी पेड़ पौधे। एक तो ये पक्ष है, उसमें भी कहते हैं कि भाई हम अहम ब्रह्मास्मि या मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो सर्वव्यापक हूं, वो उस एक ब्रह्म के लिए कहते हैं, वहां एक ही ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, बाकी जीवात्माएं उसके अंश हैं और चूंकि वो उसी के अंश हैं इसलिए वो सर्वव्यापक है, ऐसे वो बोल देते हैं, हम भी ब्रह्म हैं लेकिन है एक ही। ये एक पक्ष अलग है अद्वैत वाला, ये जो अभी चर्चा चल रही थी ये दूसरा पक्ष है, वो कहते हैं कि ब्रह्म जो सर्वव्यापक है वो तो अलग है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और हम जो जीवात्माएं हैं वो हम ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म के समान हम भी सर्वव्यापक हैं, तो परमात्मा भी सर्वव्यापक है और हम सब जितनी आत्माएं हैं हम भी सर्वव्यापक हैं। ये पक्ष है जो ब्रह्म और जीवात्माओं को अलग अलग मानता है लेकिन आत्मा को भी सर्वव्यापक मानता है, ऐसा वो पक्ष है, उस दृष्टि से ये कथन। और उसमें भी बड़ी विचित्रताएं हैं जो मैं अभी बोल ही रहा था कि भाई
कैसे होगा, ये प्रकरण आगे आएगा, उसको उसका आनंद आप और लेना तब वहां पर, अभी इतना ही रख लो। तो ये क्या सिद्धांत विरुद्ध नहीं है? है सिद्धांत विरुद्ध नहीं है? विरुद्ध नहीं है, सिद्धांत विरुद्ध है ना ये? तो विरुद्ध है तो ठीक है, मैं भी तो यही कह रहा हूं जो अपने आर्य समाज में भी मानते हैं ये बात बहुत से आज। नहीं ये तो आप कह रहे हो, अभी आपने जिनको सुना है समझा है उसके अनुसार, लेकिन सब नहीं मानते, सब नहीं मानते, वो आत्मा को भी वही मानते हैं। उस दृष्टि से मानते हो कि मरने के बाद फिर आत्मा दूसरी जगह दूसरे स्थान पे जो जन्म होता है उसका? नहीं, दूसरी जगह जन्म होता है वो तो प्रत्यय भाव है, प्रत्यय भाव से तो बल्कि उसका एकदेशीपना सिद्ध होता है, यहां से चल के दूसरी जगह जाता है तो प्रत्यय भाव तो उसी का हो सकता है, यहां से जाकर के दूसरी जगह होना प्रत्यय भाव, जो एकदेशी हो जो सर्वव्यापक है उसका क्या प्रत्यय भाव होगा? तो ये तो सारी चर्चाएं चलती है ना कि भाई आखिर न्याय दर्शनकार या वात्स्यायन मुनि आत्मा को विभू मानते हैं या एकदेशी मानते हैं, ये चर्चा चलती है। तो जो एकदेशी इसको सिद्ध करते हैं वो कहते हैं देखो तो ये प्रत्यय भाव को मानते हैं इससे सिद्ध होता है कि एकदेशी है, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, शास्त्र की पंक्तियां आगे का जो अधिकरण आएगा वो उसके आधार पर वो कहते हैं कि यहां पर देखो विभू माना गया है। तो मैं जैसा समझा जैसी संगति लगाते हैं वो आपके सामने आ ही जाएगी, और कुछ लोग उसको स्वीकार करते हैं कुछ नहीं स्वीकार करते, वो कहते नहीं यहां तो यही लिखा है, तो लिखा है तो वो मानेंगे, मानोगे तो फिर मान लो उसको, मान लो कि आत्मा सर्वव्यापक है, फिर उसके साथ साथ जो जो चीजें हैं वो सब भी माननी पड़ेंगी। ठीक है, धन्यवाद। पूज्य आचार्य जी, जैसे यहाँ सभी का मत अलग अलग हो रहा है जो आत्मा के विषय में, कुछ विभू कुछ सर्वव्यापक, विभू और सर्वव्यापक एक ही हो गया, वो जो एक देशी मानते हैं और कुछ उससे निराकार मानते हैं कुछ साकार मानते हैं। निराकार साकार की कोई बात नहीं है अभी यहाँ पर, वो तो परमात्मा के संदर्भ में। तो फिर इसको ये जो आत्मा को विभू मानते हैं वो निराकार ही मानते हैं जी, और जो एक देशी मानते हैं आत्मा को जीवात्मा को वो भी निराकार ही मानते हैं। ठीक है जी, परमात्मा की साकारता निराकारता का तो एक अलग प्रसंग चलता ही है, लेकिन जीवात्मा की साकारता का या निराकारता का कोई विवाद चलता हो ऐसा तो मेरी जानकारी में आया नहीं है। वो आर्य मात्री वाले परिच्छिन्न और वो अलग विषय मानते हैं, वो परिच्छिन्न ही मानते हैं। परिच्छिन्न का मतलब तो एक देशी हो गया ना, परिच्छिन्न का मतलब हुआ एक देशी, दूसरी जगह से कटा हुआ वहां नहीं है, परिच्छिन्न मतलब एक देशी। स्वामी दयानंद जी ने भी प्रयोग किया ही है इसका, परिच्छिन्न शब्द का, परिच्छिन्न मतलब एक देशी। महर्षि के वचन तो एकदम स्पष्ट है कि जीवात्मा परिच्छिन्न है, एकदेशी है, विभू नहीं है। तो यहां निराकार और परिच्छिन्न एक ही हुआ या अलग अलग हुई बातें हुई? देखो तो परिच्छिन्न मानो एकदेशी या विभू मानो, निराकारता तो दोनों में ही रह सकती है, और कोई साकार करना चाहे तो जैसे सर्वव्यापक को विभू को साकार मान सकता है, तो परिच्छिन्न को एकदेशी को भी साकार मान सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि परिच्छिन्न है वो तो साकार होगी और जो विभू है वो निराकार होगी, ये कोई इससे जोड़ नहीं है। एक देशी भी निराकार होगी, विभू भी निराकार होगी, वो एक अलग प्रसंग चलता है कि भाई जीवात्मा परिच्छिन्न है तो फिर तो साकार होगी, उस पर तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, गोष्ठी भी हो गई, लेख भी है, परोपकारी में भी लेख संख्या समाधान हो चुके, कभी आ चुके हैं। वहां आकार वाला का मतलब होता है परिमाण वाला, जो परिच्छिन्न है उसका परिमाण होगा, अणु परिमाण होगा, घेरा होगा, उसको आकार शब्द से नहीं कहा जाता, आकार का मतलब होता है रूपवान, रूपवान हो स्पर्शवान हो ऐसा नहीं है वो, इसलिए वो निराकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 248, सूत्र संख्या 20।
इसकी भूमिका है अभ्यनुज्यावादेन तु उच्यते जातिवादिना। जातिवादी पूर्व पक्ष को बोल रहे हैं, जातिवादी है, जाति का प्रयोग कर रहा है, उसके द्वारा अभ्यनुज्यावाद से यह कहा जा रहा है, यानी बस सिद्धांति की बात को मान करके, वास्तव में वो मानता नहीं है लेकिन मान करके कुछ आगे वो बात कह रहा है, खंडन कर रहा है। तो हठात स्वीकृत पक्ष का है ये, वैसे नहीं है लेकिन वो स्वीकार करके चल रहा है। विश्वास सूत्र है अनुपलम्भाद अपि अनुपलब्धि सद्भावात् न आवरण अनुपपत्ति ही अनुपलम्भात्। इसमें ये कहना क्या चाहता है वो अंत में देखिए, पहले न आवरण अनुपपत्ति ही, आवरण की अनुपपत्ति असिद्धि नहीं होती है, आवरण की असिद्धि नहीं होती है। ये उसका प्रतिज्ञा का कथन है। सिद्धांती ने क्या कहा था कि आवरण की सिद्धि नहीं होती है, आवरण उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए आवरण की सिद्धि नहीं होती है, उपपत्ति सिद्धि नहीं होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आवरण की अनुपपत्ति नहीं होती है, न आवरण अनुपपत्ति। सिद्धांती ने आवरण की अनुपपत्ति की थी और आवरण की अनुपपत्ति कह करके वो शब्द भी वहां पर नहीं है ये कह रहा था, क्योंकि अनुपलब्ध हो रहा है। सिद्धांती पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि आवरण की अनुपपत्ति नहीं है, यानी उपपत्ति है, अनुपपत्ति नहीं है। आप जो पूर्व पक्षी को सिद्धांती, आप जो मेरे को कह रहे हो पूर्व पक्षी को कि आवरण की अनुपपत्ति है, तो बोले ये बात नहीं है। किस हेतु से? अनुपलम्भात, अनुपलब्ध होने से, जो आप हेतु दे रहे थे। सिद्धांती ने यह कहा था ना कि अनुपलम्भात, आवरण की, आवरण जो है वो अनुपलब्ध है, आवरण अनुपलब्ध है इसलिए वो नहीं है। तो देखिए अनुपलम्भात अपि, अनुपलब्ध होने से भी आवरण की अनुपलब्धि, अनुपलब्ध होने से, यद्यपि पूर्व पक्षी ये नहीं कहता कि आवरण की, आवरण नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धांति के अनुपलम्भाद अपि अनुपलब्धि सद्भावात्, अनुपलब्धि के सद्भाव होने से न आवरण अनुपपत्ति, आवरण की असिद्धि नहीं होती है। ये जो है अनुपलब्धि सद्भावात्, इसकी जगह पाठभेद मिलता है अनुपलब्धि सद्भाववत्, सद्भावात् सद्भाववत्, सद्भावात् है सद्भाववत्। तो कहते हैं अनुपलम्भाद अपि, उपलब्ध न होने पर भी, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने पर भी, अनुपलब्धि सद्भावात्, अनुपलब्धि के विद्यमान होने से, सिद्धांति ने यह कहा था कि आवरण की अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है। तो ये जो अनुपलब्धि है, उपलब्ध न होना है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है विद्यमानता को कहा, सद्भाव को कहा जा रहा है। तो बोले अनुपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का स्वरूप क्या है? उपलब्ध न होना, लेकिन फिर भी है। तो अनुपलब्ध होते हुए भी जब अनुपलब्धि हो सकती है, तो आवरण भी अनुपलब्ध होते हुए हो सकता है उसी अनुपलब्ध हेतु से। अनुपलब्ध होने से है, जैसे आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी है, ऐसे ही आवरण भी है। हेतु क्या? अनुपलम्भात, उसी हेतु से। बोले जो हेतु आप वहां घटा रहे हो, अनुपलम्ब हेतु से आप अनुपलब्धि का होना कर रहे हो, उसी अनुपलब्धि के हेतु से आवरण का भी होना सिद्ध होता है। तो इसलिए आवरण है, और आवरण है तो क्या हो जाएगा कि जो शब्द की अनुपलब्धि आप कह रहे थे, शब्द की अनुपलब्धि होने के कारण कह रहे थे, शब्द है ही नहीं उच्चारण के पहले,
वो हो सकता है, क्योंकि आवरण है, आवरण के कारण से वो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो सही वो। तो यहां इसने, पूर्व पक्षी ने शब्दों को घेर करके इस ढंग से प्रस्तुत किया, गलत है लेकिन इस ढंग से प्रस्तुत किया। तो अनुपलम्भादपि, अनुपलब्धि से भी, अनुपलब्धि सद्भावात, अनुपलब्धि का सद्भाव होने से आवरण न आवरण अनुपपत्ति, आवरण की अनुपपत्ति नहीं होगी, यानी आवरण सिद्ध हो जाएगा। कैसे? अनुपलम्बात इसी हेतु से। भाष्य देखिए, यथा अनुपलभ्यमानापि आवरण अनुपलब्धि रस्ति, अल्प विराम। ये जो बात है ये बोल तो पूर्व पक्षी रहा है लेकिन सिद्धांति ने जो कहा था उसको उद्धृत करते हुए बोल रहा है कि जैसे अनुपलब्ध होती हुई भी आवरण की अनुपलब्धि है, यानी अनुपलब्धि की सत्ता है, एवं इसी प्रकार अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, आवरण जो है जो अनुपलब्ध हो रहा है वो भी है। हेतु क्या है? अनुपलम्बात, उसी हेतु से। आगे, यदि अभ्यनुजानाति भवान, अगर आप ये स्वीकार कर लेते हो यदि आप ये स्वीकार कर लेते हो, क्या स्वीकार कर लेते हो? अब उसके आगे इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे, यदि अभ्यनुजानाति भवान, यदि आप ये स्वीकार कर लेते हो क्या, जो कि आगे लिखा है, अनुपलभ्यमाना और अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि रस्ति, अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि भी है, आवरण की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलभ्यमान होते हुए भी है, अगर आप ये मान लेते हो तो, और इसको मान करके अभ्यनुज्याय च वदति, और ये स्वीकार करके फिर आप आगे ये कहते हो क्या, अब इसको दूसरे को फिर विपरीत अल्प विराम में लीजिए, नास्ति आवरणम अनुपलम्भात, आवरण नहीं है, क्यों? अनुपलम्ब होने से। ये सिद्धांति की ही दो बातों को पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि अभ्यनुजानाति भवान, ये भवान है मतलब सिद्धांति, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, अगर आप ये मानते हो, क्या मानते हो, तो उसके लिए तो पहला विपरीत अल्प विराम बताया था, अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि रस्ति इति, ये अगर आप मानते हो और अभ्यनुजाय च, और इसको मान करके फिर आप ये कहते हो, नास्ति आवरणम अनुपलम्भाद इति एतत्, ये जो आपने कहा इसको इसके बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, तो एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्यावादे प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते, इसके मान लेने पर भी, स्वीकार करने पर भी प्रतिपत्ति का नियम, ज्ञान का नियम नहीं बनता है। किस ज्ञान का नियम? ये जो पीछे दूसरी बात कही गई थी, नास्ति आवरणम अनुपलम्भादिति, ये जो आवरण अनुपलम्ब होने से आवरण नहीं है, ये नियम नहीं बनता है। अगर आप अनुपलम्ब होने से आवरण की अनुपलब्धि को मानते हो तो ऐसे ही आवरण के अनुपलब्ध होने से आवरण को भी आपको मानना चाहिए। जैसे उसको अनुपलब्ध हेतु से होते हुए भी मान रहे हो तो ऐसे ही आवरण को भी अनुपलब्ध के हेतु होते हुए आपको मानना चाहिए कि आवरण भी है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 21वां सूत्र, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतुः, आपने जो बात कही वो अहेतु है, गलत है। क्यों? कि अनुपलब्धि के अनुपलब्ध स्वरूप वाला होने से, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे, अनुपलब्धि के अनुपलम्भ स्वरूप वाला होने से। अब दोनों बातों में अंतर था कि आपने जो कहा ये अहेतु है, अनावश्यक है, गलत है, सिद्धांती ने यह कहा था कि जो अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि अनुपलब्धि के ही स्वरूप वाली होती है, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे, अनुपलब्धि क्या है? अनुपलब्धि के स्वरूप वाली होती है, लेकिन किसके अनुपलब्धि के स्वरूप वाली होती है? जो वस्तु नहीं है उसके न होने के स्वरूप वाली होती है अनुपलब्धि। अब जब ये कहते हैं कि अनुपलब्धि है तो वाक्य तो यही बोला जाएगा कि अनुपलब्धि है, तो अब अनुपलब्धि को अनुपलब्धि के रूप में कहा जा रहा है कि वो है,
न कि इससे किसी सत्ता को कहा जा रहा है। ये बात अभाव के विषय में भी आती है, दो तीन बार आई है इसमें। वो कह कि अभाव है, ये वाक्य आया कि अभाव है, तो अभाव का मतलब तो है कि नहीं होना, और क्या कि है तो उसकी सत्ता हो गई। अस्थि कौन होता है, सत्ता किसकी होती है, जिसका भाव है, तो अभाव भी भाव हो गया, अभाव का भी भाव हो गया ना, कि अभाव है जब हम ये कहते हैं। या तो ये कहो कि भाव है, तो भाव है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब वो यू कह रहे हैं कि अभाव है, तो अभाव है, अब है कहकर के आप उसकी सत्ता को कह रहे हो, तो अभाव का भाव हुआ ना। जब आप कह रहे हो अभाव है, इसका मतलब क्या हुआ, अभाव का भाव है। जब अभाव का भाव है तो वो तो भाव हो गया, फिर अभाव कहां रहा, अभाव है तो है मतलब भाव हो गया, तो अभाव का भाव हो गया तो भाव ही हो गया ना। फिर ऐसे ही अनुपलब्धि की, अनुपलब्धि है ये जब कथन किया जा रहा है, तो वो अनुपलब्धि की सत्ता मान ली, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस स्वरूप वाला होते हुए भी आप उसको है मान रहे हो, तो आवरण भी अनुपलब्धि के है तो उसको भी है मान लो। इस तरह का तर्क है। आपको पहले आपके प्रसंग में कभी आया नहीं आया न्याय दर्शन में, कि गुजराती में क्या बोलते हैं, छह बोलते हैं, छह मतलब है, जाना है, ठीक है, जाऊ छह है की तरह, है की जगह छह बोलते हैं। और हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं जाना, नहीं जाना है। जब हमें जाना है हिंदी में बोलते हैं, और नहीं निषेध करना हो तो क्या हम कहते हैं, नहीं जाना है। अब हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो उसी की नकल में फिर गुजराती में भी बोलेंगे हम, जाऊ छे नहीं जाऊ छे। अब मैं तो ऐसे ही बोलूंगा हिंदी भाषी, जब वहां जामनगर में गुजराती बोलता था तो भाई मैं तो छे का पता लगे, अब जब दूसरी भाषा का अनुवाद करते हैं तो ऐसे ही होती है, तो गुजराती हंसते थे, बोले हिंदी वाले पहले तो कहते कि नहीं गुजराती में ऐसा नहीं जाना है तो नहीं जाऊं, बस छह नहीं लगाते कभी भी, वो नहीं जाना है नहीं, हिंदी में बोले नहीं जाना, बस नहीं जाऊं। जब नहीं बोलते हैं तो नहीं हो गया, तो बोले छह कैसे बोल सकते हैं, है कैसे बोल सकते हैं। तो पहले तो हमारी हंसी उड़ती जो हम टूटी फूटी गुजराती बोलते हैं अपने ढंग से, बोले ऐसे नहीं होता गुजराती में, जैसे कि अन्य भाषा वाले हिंदी बोलते हैं तो उनको लिंगों का पता नहीं लगता है, क्या पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, तो हमारे को लगता है ना कैसे बोल रहे हैं। जैसे हम जब दूसरी भाषा बोलते हैं तो हमारे साथ भी इसी तरह की कुछ कुछ बातें होती हैं। फिर वो यूं कहते थे, ये हिंदी में क्या गलत नियम बना रखा है, नहीं भी कह रहे हैं और है भी कह रहे हैं। बोले आज पानी नहीं है, बोले पानी को नहीं भी कह रहे हैं और है भी कह रहे हैं, ये क्या भाषा है हिंदी। नहीं है तो क्यों, नहीं तो बोले कि पानी नहीं बस, या तो बोलो पानी है या तो बोलो पानी नहीं, पानी नहीं है ये कौन सी भाषा हो गई। वो ऐसे तर्क करते क्योंकि उनका दिमाग गुजराती का अपने ढंग, गुजराती का एक अलग नहीं हो, लेकिन हिंदी में हमारे को कोई अटपटा ही नहीं लगता इसमें, हम नहीं भी बोलते हैं तो है भी बोलते हैं, तो भाई नहीं होने को है बोल रहे हैं हम, उनको यही तो उत्तर देंगे गुजराती वालों को जो प्रश्न करते हैं, भाई हम जो है कह रहे हैं तो है का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि पानी है, जब हम कहते हैं पानी नहीं है तो वो इसको विरोधाभासी समझते हैं, बोले एक तरफ पानी को नहीं भी बोल रहे हो और एक तरफ पानी को हो भी बोल रहे हो, तो दो कैसे, नहीं तो नहीं है तो है, दो विरुद्ध बातें नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम यही कहते हैं उत्तर। जैसे ये तो हिंदी तो संस्कृत की तरह से, जलम नास्ति, जलम न अस्ति, तो न भी बोल रहे हैं और अस्ति भी बोल रहे हैं, तो जो अस्ति है वो न को बता रहा है, न होने को बता रहा है, होने को नहीं बता रहा है वो, तो पानी नहीं है हिंदी में ठीक है। हाँ था को कैसे बताएंगे, पानी नहीं था, पानी नहीं है, तो ये तो हम उस चीज को बताने के लिए करते हैं ना, नहीं हतु, नहीं हतु है। बोलते हैं हतु, नहीं हतु, हतु बोलते हैं वो है? नहीं हतु,
क्या बोलेंगे? नहीं हतु, नहीं था, और होगा तो भविष्य में थशे, थशे भविष्य में है थई जैसे हो जाएगा या होगा, थई जैसे थशे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आप उनको तर्क दे सकते हैं, पर वो तो उतना ही है ना, वो कोई भाषाविद थोड़े थे मेरे साथ के जो थे, भाषा बोलते थे, वो तो आयुर्वेद के थे, वो साथ में पढ़ते थे, उनको कोई गुजराती में, उन्होंने कोई साहित्य में, गुजराती साहित्य में थोड़ा पढ़ रखा था, वो उनके मन में एक तर्क आया, बोल दिया उन्होंने, जैसी बातचीत में हल्की फुल्के ढंग से जो बात चलती है ऐसे ही उसमें था, रोका जा सकता है। खैर वो तो इस पर भी कह सकते हैं, आप भी कह रहे हो, तो थशे बोलते हैं, थशे, पर छे नहीं, छा नहीं बोलते हैं वो उसमें, नहीं थी, नहीं हुई थी, उसमें हम भी है नहीं बोलते हैं ना, नहीं होगी, हम यूं कहते हैं पानी नहीं होगा, नहीं होगा है थोड़ा बोलते हैं वहां पर हम, और पानी नहीं था बोलते हैं, पानी नहीं था है ऐसे थोड़ा बोलते हैं, है थोड़ा बोलते हैं, तो ऐसे भी वो भी भूत और भविष्य बोलते हैं, छह नहीं बोलते हैं उसमें, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं है, है तो हम नहीं बोलते, लेकिन है को हम नहीं के साथ भी बोलते हैं और बिना नहीं के भी बोलते हैं, यहीं पर ही दिक्कत थी केवल। तो ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब आप नहीं, उसको अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, तो मतलब उसकी सत्ता को कह दिया क्यों अनुपलब्ध होने से, तो ऐसे ही आवरण की भी हो जाएगी, इस तरह से उसने घुमा करके कहा। तो सिद्धांती क्या कह रहा है 21वें सूत्र में, अनुपलंभात्मकत्वात् अनुपलब्धे हे, अनुपलंभ स्वरूप वाली ही होती है वो, इसलिए अनुपलब्धि अनुपलंब स्वरूप वाली होती है, इसलिए आपका जो कथन है वो उचित नहीं है, अहेतु है। भाष्य, यद उपलब्धते तदस्ति, अल्प विराम, जो उपलब्ध होता है वो है, किसको कहते हैं जो उपलब्ध होता है, यह न उपलब्धते तन्नास्ति, जो उपलब्ध नहीं होता है वो नहीं है, नास्ति इति अनुपलंभात्मकम असद इति व्यवस्थितम, इसी तरह जो अनुपलंभात्मक है, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है वो असत, असत मतलब अभाव, नहीं है, सत ना होना, असत इस रूप में व्यवस्थित है, वो सिद्ध है कि जो अनुपलब्ध है वो असत है, अनुपलंभात्मकम असत इति व्यवस्थितम। आगे उपलब्धि अभावश्च अनुपलब्धि, और अनुपलब्धि कहते हैं किसको है, उपलब्धि के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं, किसी की उपलब्धि जिसकी भी हम प्रसंग में लेंगे तो उपलब्धि के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं, सेयम अभावत्वात् अनुपलभ्यते, इसलिए ये जो अनुपलब्धि है ये न होने के कारण, अभाव रूप होने के कारण से उपलब्ध नहीं होती है। हम कहते हैं जैसे कि लेखनी है, ये दिखा रहे हैं, अब लेखनी नहीं है तो बोले लेखनी का अभाव है, बोले दिखाओ लेखनी के अभाव को, लेखनी के अभाव को कहां से दिखाएंगे, लेखनी का अभाव तो अभाव रूप में है, वो कोई दिखा तो दिखाया तो नहीं जा सकता है, बोले आपने लेखनी को छुआ दिया, ठीक है स्पर्श कर दिया, अब लेखनी नहीं है, बोले लेखनी का अभाव है तो लेखनी के अभाव को दिखाओ, अब लेखनी के अभाव को कुछ छू करके बताएंगे क्या कि हाँ ये देखो लेखनी का अभाव है, वो अभावात्मक है। तो सेयम अभावत्वात् न उपलब्धते, ये जो अनुपलब्धि है अभाव होने से उपलब्ध नहीं होती है, उपलब्ध की उपलब्धि का मतलब है उसके कोई गुण विशेष ऐसे इंद्रियों से उसका रूप दिखाई दे जाए, उसका रस रस हमारे को पकड़ में आ जाए, उसका स्पर्श पकड़ में आ जाए, ऐसा कुछ उस अनुपलब्धि का नहीं बताया जा सकता। गाय है तो आप कह सकते हो कि हाँ देखो ये रूप है, ये स्पर्श है, ये सब हम उसमें, ये उसकी गंध है इत्यादि, ये उसका शब्द है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि भावात्मक है। अब गाय नहीं है, गाय नहीं है इसको आप कैसे बताओगे, गाय नहीं है कोई गुण ला करके बता सकते हो क्या गाय का, किस गुण से, किसी रूप से बता सकते हो कि गाय नहीं है, किसी स्पर्श के अभाव से बता सकते हो कि यहां पर गाय नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो जो अनुपलब्धि है ये अनुपलब्धात्मक है, अनुपलब्धात्मक का मतलब इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं होती है, यूं बस उस गाय के उस व्यक्ति के गुणों का न होना ही उसकी अनुपलब्धि को माना जाता है। तो इसलिए कहा सेयम अभावत्वात् न उपलब्धते, अभाव होने से उपलब्ध नहीं होते। और सच्च खलु आवरणम, लेकिन आवरण तो सत है, विद्यमान है, कोई आवरण होगा तो वो तो सत्तात्मक है, आवरण का अभाव असत रूप है और आवरण सत रूप है, इसलिए आप दोनों को मिला करके नहीं बोल सकते, दोनों के लिए अलग अलग बात है। तो सच्च खलु आवरणम,
तस्य उपलब्ध्या भवितव्यम अल्पविराम, उसको तो उपलब्धि से युक्त होना ही चाहिए क्योंकि वो सत है, सत है तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। अब उसको अभावात्मक रूप से हम उपलब्ध नहीं कह सकते, न च उपलब्ध्यते तस्मात् नास्ति इति, और ये जो सत है यानी आवरण है ये उपलब्ध नहीं होता है इसलिए वो नहीं है। तो तत्र यदुक्तम, इसमें जो आपने कहा था, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं क्या, न आवरण अनुपपत्ति अनुपलंभात इति अयुक्तम इति। बीसवें सूत्र का ये भाग है, चाहे तो विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, इन्होंने तिरछे में नहीं लिखा है। तत्र यदुक्तम न आवरण नावरणानुपपत्तिर अनुपलंभात, इतना जो भाग है ये बीसवें सूत्र का, बोले ये जो आपने कहा ये अयुक्तम इति, ये अयुक्त है, अहेतु है। तो अब इसके आगे जो शब्द को नित्य मानता है, कुछ तो चर्चा हो गई, अब जो शब्द को नित्य मानता है उसके लिए हेतु है उसके पास में कि शब्द नित्य क्यों है, पूर्व पक्षी वो उसको प्रकट रहा है। तथा तो शब्द से नित्यत्व प्रतिजानानः कस्माद हेतु प्रतिजानीते, कि जो शब्द को नित्य मानता है स्वीकार करता है वो किस हेतु से उसको नित्य मानता है, उन हेतुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसको पूर्व पक्षी का कह सकते हैं या तो सिद्धांतिक पूर्व पक्षी की बात को कह रहे हैं, ये तो सीधे सीधे पूर्व पक्षी का सूत्र मानिए। बोले शब्द नित्य है, 22वां सूत्र, हेतु कहा स्पर्शत्वात्, स्पर्श वाला न होने से, ठीक है। तो जो जो स्पर्श वाला नहीं होता है, जो स्पर्श वाला होता है वो नित्य होता है। तो देखिए उसके लिए उदाहरण देगा ये अपने पक्ष में, स्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम, आकाश जो है वो बिना स्पर्श वाला है वो नित्य होता है, तो इसलिए शब्द भी स्पर्श वाला नहीं है इसलिए वो नित्य है, ये उसका हेतु अपने पक्ष में हुआ साधन में से। तथा जो शब्द है इस तरह के ही शब्द होता है। तो इसके उत्तर में अब सिद्धांति बोल रहा है, स्वयं उभयता सव्य विचार, ये जो आपने हेतु दिया ये दोनों ही तरीके से व्यभिचार को प्राप्त होता है, यानी आप इसको साधर्म से ले लो चाहे वैधर्म से ले लो, दोनों जगह व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे है उसको बता रहे, बोले स्पर्शवांश्च अणु नित्य, तो स्पर्शवान है वो अणु नित्य है, स्पर्शवान अणु नित्य है। तो इसने क्या कहा था कि जो स्पर्श वाला है वो नित्य होता है, पूर्व पक्षी का क्या कहना था, शब्द स्पर्श वाला है वो नित्य है, इसका मतलब उसका विपरीत क्या होगा, अगर वो वैधर्म से उदाहरण देता तो क्या देता, जो स्पर्श वाले हैं वो अनित्य है, जो स्पर्श वाले हैं वो अनित्य है, यही तो कहता वो। तो उसके विपरीत ये खंडन कर रहा है कि देखो इस, अगर वो ऐसा देता तो कहते देखो स्पर्श वाला अणु है वो नित्य है, व्यभिचार दिखा दिया उसका। और दूसरा स्पर्शम च कर्म अनित्यम दृष्टम, अब ये जो साधारण में से कहा था पूर्व पक्षी ने कि स्पर्शम आकाशम नित्यम, बिना स्पर्श वाला आकाश नित्य है, तो बोले बिना स्पर्श वाला कर्म तो अनित्य है, व्यभिचार दिखा दिया उसका। तो साधारण में से जब वो अगर उदाहरण देगा या हेतु प्रस्तुत करेगा तो ये उसका प्रत्युदाहरण बनेगा खंडन के लिए, व्यभिचार हो जाएगा, और अगर वैधर्म से करता तो अणु की दृष्टि से करता, इसलिए कहा कि दोनों तरीके से स्वयं उभयता सव्य विचार। आगे स्पर्शत्वाद इति एतस्य सात्य साधर्म्येन उदाहरणम्, स्पर्शत्वाद ये जो है 22वां सूत्र, इसका सात्य के साधर्म से अब उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण मतलब है ये वास्तव में प्रत्युदाहरण, यानी सिद्धांती उसका खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ने तो जो उदाहरण दिया वो आकाश का दे दिया साधर्म्य से, अब उसका साधर्म्य से ही खंडन करते हुए सिद्धांती बोल रहा है 23वां सूत्र, जो कि भाष्यकार ने पहले भी बोल दिया है। तो 23वां सूत्र है न कर्म अनित्यत्व, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म के अनित्य होने से, इस स्पर्श कर्म के अनित्य होने से, इसलिए आपका हेतु ये खंडित हो रहा है। आगे साधर्म वैधर्म न उदाहरणम, और यदि पूर्व पक्षी वैधर्म से हेतु बना करके और उदाहरण प्रस्तुत करे तो उसका खंडन सिद्धांती ऐसे करेगा, ये भी प्रत्युदाहरण है खंडन करने के लिए, न अणु नित्यत्व, तो भी आपका पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अणु नित्य देखा जाता है, स्पर्शवान अणु नित्य देखा जाता है। तो उभयस्मिन उदाहरणे व्यभिचारात् न हेतु, इसका तो दोनों ही तरफ से व्यभिचार आने से ये आपका हेतु हेतु नहीं है, तो एक हेतु खंडित कर दिया। तो अब दूसरा हेतु देता है, अयम तर ही हेतु, चलो इस हेतु को ले लो। अब ये सिद्धांति भी क्या ठीक है, चलो दूसरा हेतु दे दो। तो कौन सी चर्चा चल रही है, ये बात चल रहा है, उसको अवसर दे रहा है, नहीं तो निग्रह स्थान को प्राप्त हो ही गया था, कह देता है अब तो खंडित हो गया, अच्छा चलो और दे दो उदाहरण, आप जो हेतु देते हो तो दे लो। अयम तरी हेतु, चलो ये हेतु है। 25वां है संप्रदानात, दिए जाने से, संप्रदान करते हैं ना सम्यक रूप से देते हैं दूसरे को,
जो व्याकरण वाला है, कर्मणा यम अभिप्रायति सब संप्रदान, हम किसी चीज को जिसके लिए देते हैं वो, तो बोले शब्द भी तो दिया जाता है, शब्द देते नहीं है क्या? और जो चीज दी जाती है वो अनित्य कैसे हो सकती है, क्षणिक कैसे हो सकती है? अब यहां अनित्य का मतलब क्षण स्थाई। अब मैं किसी को लेख नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं और वो ले रहा है, अगर ये क्षण स्थाई होती तो मैं क्या देता और वो क्या लेता? ये ठीक है कि लेखनी अनित्य है, लेकिन कुछ देर के लिए तो स्थाई है, कुछ स्थाई है, उतने अंश में ही अनित्यता का अर्थ लेना, क्योंकि सिद्धांती तो शब्द को बस क्षण स्थाई मानता है, उसी समय नष्ट हो जाएगा, स्वसमान की उत्पत्ति करके नष्ट हो जाएगा। उसके खंडन के लिए ये कह रहा है कि नहीं, शब्द भी लिया दिया जाता है, तो इसलिए वो क्षण स्थाई तो नहीं है, नितांत नित्य भले ही ना हो लेकिन कुछ देर तो स्थिर रहता ही है। संप्रदानात्, तो संप्रति ये मानम अवस्थितम दृष्टम, जो जो जिस जो 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 भी चीज दी जाती है वो अवस्थित देखी जाती है। हम किसी को दूध देते हैं, बर्तन देते हैं, तो स्थित स्थिर देखी जाती है ना, अवस्थित देखी जाती है। और संप्रति ये शब्द, और शब्द भी दिया जाता है किसी के लिए, कौन देता है? आचार्य ने, अंतेवासी ने, आचार्य के द्वारा अंतेवासी यानी छात्रों के लिए दिया जाता है, विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है, बोला जाता है। तस्मात अवस्थित आई थी, इसलिए शब्द अवस्थित है, क्षणिक नहीं है, इतने अंश में लेंगे। अब पूरी नित्यता तो इससे सिद्ध नहीं होती पूर्व पक्षी के मत में, लेकिन कुछ देर तक रहना उतना तो सिद्ध फिर भी वो कर ही रहा है एक अंश में। तो इस पर सिद्धांत उत्तर दे रहा है, तदंतराल अनुपलब्धे अहेतु, बोले आपका हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि बीच में वो शब्द नहीं मिलता है। तद अंतराल अनुपलब्धे, अंतराल में बीच में उपलब्ध नहीं होता है, बोलने वाले ने यहां बोला, सुनने वाले ने वहां सुना, तो बीच में तो उपलब्ध नहीं होता है। अब कोई चीज दी जाती है, संप्रदान किया जाता है, तो यहां से देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो बीच में भी तो रहती है। भाई हम गेंद फेंक रहे हैं, यहां से उसको गेंद दी, तो यहां से दी तो केवल यहां से दी और सीधे वहीं पहुंचती है, बीच में भी रहती है? बीच में भी रहती है। आप कह रहे हो कि शब्द भी एक बोलता है दूसरे तक पहुंचता है, तो बीच में तो है, बीच में तो नहीं पता लगता है। अब आप कहो कि नहीं हम बीच में जाके कान लगा देंगे तो सुनाई दे जाएगा तो जो बोला गया और बीच में सुना गया उसके बीच में कहां पर है? कहीं भी, वही कहीं भी चले जाओ फिर भी बीच का कुछ ना कुछ बचेगा, वहां कहां है? वहां तो उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये एक पक्ष में उत्तर है, ये इसको आप कहोगे भी सिद्धांत ऐसी कैसी बात कह रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती है खंडन करने के लिए की जाती हैं, उसे कुछ बुलवाया जाता है कि आप ये उस, वो भी तो संप्रदान का उदाहरण ले रहा है, तो उसको एकांगी रूप से ये खंडन किया जाता है। आप यूं कहो कि ये सिद्धांत पक्षी है, अगर आप सिद्धांती को बिल्कुल निर्दोष बिना दोष वाला ऐसा स्वीकार करना चाहते हो, और ऐसे ऐसे बीच में चीजें आती हैं, तो आपको मन नहीं मानता है कि नहीं सिद्धांती तो ऐसा नहीं कह सकता, तो सिद्धांत पक्षी एक कोई उसे कम जानने वाला वहां बैठा है, या तो ये मान लो। अथवा दूसरा तरीका यह है कि नहीं सिद्धांती भी कुछ ही बात को मनवाने के लिए इस तरह से बोल देता है, तो ऐसा कहोगे तो आप भी अपने को सिद्धांती कहोगे, तो आगे कभी चर्चा करोगे तो आप बीच में बोल सकोगे ऐसा, यहां ठीक है ऐसा बोल देते हैं। देखो न्याय दर्शन में भी सिद्धांती बोल देता है ऐसा, ऐसी कुछ आधी अधूरी बातें भी सामने वाले को रास्ते पर लाने के लिए, तो ऐसे आप बोल सकोगे। लेकिन अगर आपने सिद्धांती को ऐसा मान लिया और आप भी सिद्धांती ही अपने को सिद्धांती ही मानोगे, सिद्धांती से कम क्या मानोगे, तो आप फिर ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा बोलने वाला तो बीच का होगा जो थोड़ा कम होगा उससे, पूरा जानता नहीं है सिद्धांत, वो कम जानने वाला आप अपने को बोलोगे नहीं, तो ऐसा बोलना भी है हमारे को और अपने को सिद्धांती भी बोलना है, तो क्या करना चाहिए, इसको सिद्धांती का ही मान लेना चाहिए। हाँ सिद्धांती भी ऐसा बोलता है, हम भी बोल रहे हैं, तो उससे हम हमारे सिद्धांत की हानि नहीं होगी, हम सिद्धांती अभी भी है। तो तदंतराले अनुपलब्धि हेतु, अनुपलब्धे अहेतु, बीच में नहीं है इसलिए वो हेतु नहीं बनेगा। भाष्य, ये न संप्रदीयते यस्मै च, जिसके द्वारा दिया जाता है और जिसके लिए दिया जाता है, तयोः अंतराले अवस्थानम् अस्य केन लिंगेन उपलब्ध्यते, उन दोनों के बीच में ये कैसे पता लगता है आपको? अगर यहां से दिया जा रहा है और वो वहां से ले रहा है तो बीच में है, ये कैसे पता लगा आपको? ये पूछ रहा है पूर्व पक्षी से। क्यों? क्योंकि संप्रदीय मानो ही अवस्थितः, जो दिया जाता है वो अवस्थित रहता है। आपने ये कहा था कि जो दिया जाता है वो अवस्थित रहता है, तो जो दिया जा रहा है वो अवस्थित है, तो बीच में है, अवस्थित है, ये आपको कैसे पता लगा, ये बताओ। पूछा जा सकता है ना उससे,
क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि अवस्थित रहता है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, संप्रदीय मानो ही अवस्थिता, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही कहा था कि जो दिया जाता है संप्रदीय मान होता है वो अवस्थित होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा था तो बीच में है, ये आपको कैसे पता लगा अवस्थित है? तो संप्रदातुर अपैति संप्रदानम च प्राप्नोति, जो संप्रदाता है देने वाला है उससे तो वो अलग हटता है, और जो जिसके लिए दिया जा रहा है उसको वो प्राप्त होता है। इति अवर्जनीयम एतत्, इसका आप निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी चीज को यूं देते हैं तो जब हम यहां से वहां देते हैं तो इधर से तो वो हट जाती है और वहां पहुंच जाती है, तो इसमें यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं रहती है वो, क्यों? तो 27वें सूत्र में कहा अध्यापनाद अप्रतिषेध, क्योंकि अध्यापन होता है, पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, अध्यापक बोलता है और वो सुनने वाला विद्यार्थी सुनता है, अध्यापन हो जाता है, तो अध्यापन के होने से आप निषेध नहीं कर सकते कि बीच में नहीं है। हम अनुमान से पता लगेंगे, यहां से बोला गया वहां पर पहुंचा तो बीच में भी है, ये मान सकते हैं ना अनुमान से, किस लिंग से पता लगा? तो बोले अध्यापन से पता लग गया। सिद्धांती ने पूछा था किस लिंग से पता लगा बीच में है, बोले अध्यापन से पता, तो अध्यापनम लिंगम अल्प विराम, बोले ये अध्यापन है, ये लिंग है, इससे पता लगता है। क्यों, कैसे अनुमान हुआ? असती संप्रदान है अध्यापनम न स्यात, यदि संप्रदान नहीं हो रहा होता बीच से तो अध्यापन ही नहीं हो सकता था, अगर शब्द यहीं का यहीं रह जाता बोलने वाले के पास, विद्यार्थी के पास पहुंचता ही नहीं तो अध्यापन कहां से होता? लेकिन अध्यापक बताता है, विद्यार्थी पढ़ता है और वो सीख जाता है, अध्यापन हो जाता है। इसका मतलब है इससे पता लगता है कि यहां से वहां पर तो पहुंचा है वो, इसलिए संप्रदान है। इस पर सिद्धांती कहता है 28वां सूत्र, उभयो पक्षयो अन्यतरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेधः, बोले जो अध्यापन आपने हेतु कहा, बोले ये तो दोनों पक्षों में चला जाएगा, अध्यापनात् ये जो कहा उभयो पक्षयो अन्यतरस्य अप्रतिषेधः, दोनों पक्षों में से किसी का भी निषेध नहीं कर सकता है। ठीक है, अध्यापन से आप ये लिंग से लगा रहे हो कि यहां से वहां वही संप्रदान हुआ, और इससे आप खंडित क्या कर रहे हो कि शब्द स्थाई है, नित्य है, अनित्य नहीं है, क्षणिक नहीं है, ये आप कह रहे हो। बोले अध्यापन तो क्षणिक पक्ष में यानी अनित्य पक्ष में भी हो जाएगा, अध्यापन हो रहा है, यहां इसने बोला और उसका शब्द संतान एक से एक उत्पन्न होते होते वहां तक पहुंच गया, तो अध्यापन हेतु तो दोनों पक्षों में जाता है, इसलिए इससे किसी का खंडन नहीं होता है। तो उभयो पक्षयो अन्य तरह से अप्रतिषेध, अध्यापना अध्यापन इस हेतु से किसी एक पक्ष का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व पक्षी ने जब अध्यापनादि इस हेतु से संप्रदान की बात कही, उसकी अवस्थिति की बात कही, तो परोक्ष रूप से उसने क्या किया, सिद्धांती के शब्द के अनित्य पक्ष का खंडन किया। तो सिद्धांती ये कह रहा है कि आपके इस अध्यापन हेतु से आप किसी एक पक्ष का खंडन नहीं कर सकते, न तो मैं कर सकता, मैं ये कहूं कि अध्यापन होता है, इससे पता लगता है कि शब्द संतान है, शब्द अनित्य है, अर्थात शब्द की नित्यता खंडित हो रही है, तो न तो मैं इस हेतु से आपको पक्ष को खंडित कर सकता हूं, और आप भी जो अध्यापन के हेतु से मेरा खंडन करना चाह रहे हो इससे मेरा भी खंडन नहीं होता, ये अध्यापन हेतु तो दोनों ही पक्षों में चला जाएगा, दोनों में ही घट सकता है। बादशाह समानम अध्यापनम उभयो पक्षयो हो, ये जो अध्यापन है ये हेतु तो दोनों पक्षों में समान है, क्यों? संशय अनिवृत्त है, क्योंकि अध्यापन के हेतु से संशय तो हटेगा नहीं, फिर भी तो वही प्रश्न बना रह जाएगा। क्या किम आचार्यस्थ शब्दो अंतेवासिनम आपत्यते तद अध्यापनम, कि आचार्य के पास स्थित, आचार्यस्थ आचार्य के पास स्थित वही वही शब्द अंतेवासी के पास प्राप्त हो जाता है, ये अध्यापन है कि यहां से शब्द जो है वो ही शब्द वहां पर चला गया है, क्या यह अध्यापन है? आहोस्वित नृत्योपदेशवत अथवा नृत्य के उपदेश के समान है, नृत्य का भी तो उपदेश होता है, नृत्य को सिखाने वाले हैं वो भी तो हाथ को पैर को कदमों को अलग अलग बताएंगे कि ये करना है ये करना है, जबकि कर्म अनित्य है ये दोनों ही पक्ष मानते हैं, पूर्व पक्षी भी मानता है कि कर्म अनित्य है, तो जब कर्म अनित्य है अनित्य होते हुए भी वो शिष्य तक कैसे पहुंच गया? यहां भी तो संप्रदान है, जैसे शब्द चला गया ऐसे कर्म भी तो चला गया, अध्यापक ने नृत्य सिखाने वाले ने वो नृत्य किया और शिष्य ने नृत्य सीखने वाले ने वो नृत्य सीख लिया, अध्यापन तो वहां भी हो गया, तो अनित्य होते हुए भी तो अध्यापन हो गया है,
तो शब्द भी जब अध्यापक के द्वारा बोला जा रहा है, वो वहां तक पहुंच रहा है और अध्यापन हो रहा है, इससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाता कि वो नित्य है, स्थित है। अनित्य भी हो सकता है, अध्यापन तो अनित्य होते हुए भी हो जाता है। तो आहुस्वित नृत्योपदेशवत गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनमिति, जो गृहित है यानी आचार्य का जो शब्द है उसके उसको ग्रहण करके बस उसका अनुकरण किया जा रहा है। आचार्य ने जो शब्द बोला वही शब्द शिष्य ने बोला, जिस मंत्र का उच्चारण अध्यापक ने किया उसी मंत्र को शिष्य ने बोला, तो क्या ये उसी शब्द को बोल रहा है? जैसे कि जिस लेखनी से मैं लिख रहा हूं वही लेखनी दूसरे को दूं तो वो भी लिखेगा, तो उसी लेखनी से लिखेगा, ये तो वही हो गया। तो आचार्य ने जो शब्द बोला, मंत्र बोला, उसी का उच्चारण बच्चे से कराया, क से कमल, बच्चे ने भी यही बोल दिया, तो ये उसी शब्द को बोल रहा है या वो उस शब्द का अनुकरण कर रहा है? जैसे कि क्रियाओं का अनुकरण करते हैं, खेल सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, तो आहुस्वित नृत्योपदेशवत गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनमिति, गृहित का ही अनुकरण है। तो एवं अध्यापनम अलिंगम संप्रदानस्य इति, ये जो अध्यापन है ये संप्रदान का लिंग नहीं बन सकता, इससे संप्रदान सिद्ध नहीं हो सकता, वो तो दोनों ही तरफ लागू हो सकता है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।